गुड मॉर्निंग बच्चों, वीडियो का कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक 10th स्टैंडर्ड और एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 विद बेसिक। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन्स का मीनिंग है ट्राइंगल और मैट्रोन का मीनिंग है मेजरमेंट। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है ये, तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें हम तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है ना, सिंपली ट्राइंगल की साइड और एंगल की जो स्टडी करते हैं हम, उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं बच्चों। सिंपल बात ये है, ट्रिग्नोमेट्री केवल यही होता है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है बच्चों जो मैथमेटिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है ये, साथ साथ साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये, जैसे कि डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम। ठीक है ना, और भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज़ होती है ये, तो बहुत सारी ब्रांचेज में यूज होती है साइंस में ये। तो उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व कर देती है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत सारे स्कोप हैं बच्चों। लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर में हम केवल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो बच्चों, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, जैसे ये एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 का एंगल हो गया भाई। अब ये क्या है, ये है बेस, ये एक्यूट एंगल ले लिया मैंने थीटा, और ये क्या हो गया बेस। बेस वो होता है बच्चों जिसके ऊपर एक एंगल 90 का हो और एक एक्यूट हो। वैसे बेस ये भी ले सकते हम चाहें तो, बेस कोई सा भी ले सकते हो आप। ये बेस ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस आप ये तब ले सकते हो जब एंगल ये लेते हो आप, एंगल सी, यानी कि जिसको मैंने थीटा लेट कर लिया। अगर एंगल आप ये लेते हैं तो फिर बेस आपको ये लेना पड़ेगा, जबकि हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस बिल्कुल 90 के सामने रहेगा। और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो भाई बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है साइन, SINE, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या है साइन, सिंपली क्या है एक रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करने के बाद जो रेशो प्राप्त होता है आपको, उसको क्या बोलते हैं साइन, और सिंपली इसको लिखते हैं साइन, SIN। ठीक है ना, तो एंगल यहाँ पर क्या लेंगे हम, एंगल जैसे मैं सी ले लूँ साइन सी, या थीटा ले लूँ, यहाँ पर साइन थीटा लिख सकता हूँ, थीटा को हटा ही देता हूँ मैं, सी लेता हूँ सीधा इसको, तो साइन सी लेंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस, यानी कि AB बाई AC। ठीक है ना, AB बाई AC हो गया। फिर जैसे कोस है बच्चों, तो कोस क्या होता है, कोस एक रेशो है बेस और हाइपोटेन्यूस का, यानी कि बेस को अगर आप हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, कोस, कोस सी, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, तो इसमें अगर मैं कोस को, वैसे क्या होता है कोस, कोसाइन होता है बच्चों, कोसाइन, ठीक है ना, और इसको सिंपली हम लिखते हैं कोस। एंगल जो भी लेंगे आप, एंगल जैसे सी लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, ए लेंगे तो बेस ये हो जाएगा कोस सी, तो बेस क्या हो गया आपका BC और हाइपोटेन्यूस AC रहेगा। बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, अगर ट्राइंगल में 90 का एंगल यहाँ पर है तो हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। नेक्स्ट बच्चों टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट होता है भाई, ये होता है टेंजेंट और ये क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना,
ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। जैसे इसमें अगर एंगल मैं ये ले लेता हूँ, इसको सिंपली हम टेन लिखते हैं, टेन। तो अगर एंगल ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, इनके ए बी बाई क्या बन जाएगा, ये बी सी, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से बच्चों तीन ये रेशो होते हैं, और तीन होते हैं इनके रेसिप्रोकल। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, इसको सिंपली हम कोसेक लिखते हैं, कोसेक। अगर एंगल सी ले लेता हूँ मैं, देखो एंगल सी ले लिया, थीटा भी लेट कर सकते हो आप अगर आप सी से पजल होते हो तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों ये, यानी कि ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट था बच्चों कोसिकेंट, जो कि रेसिप्रोकल होता है बच्चों साइन का, ठीक है ना। तो साइन जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस था, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि साइड भी ऐसे रेसिप्रोकल कर देना। और इसको कोसेक ही लिख देते हैं। उसके बाद है कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, ठीक है ना। और इसको सेक लिख देते हैं बच्चों, सेक, सेक थीटा, जैसे इसको हम थीटा मान लें यहाँ पर, तो सिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ठीक है ना। जैसे ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस था। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, उसको कोट लिख देते हैं हम सिंपली, वो क्या आ जाएगा, बी सी बाई ए बी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो भाई ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है बच्चों, और इम्पोर्टेंट तो इतना है ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे टेंथ क्लास में भी आप पढ़ने लग रहे हैं, नाइन्थ में भी आप पढ़ कर आए हैं इसके बारे में, और भाई उसके बाद इलेवंथ क्लास में भी है ये चैप्टर प्रमोट होने लग रहा है, यानी कि इलेवंथ में भी प्रमोट हो गया, ट्वेल्थ में चैप्टर तो नहीं है लेकिन उसका बेसिक है, और इससे आगे फिर सारा उसका बेसिक चलेगा। बीएससी में भी है ये चैप्टर, बल्कि सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे ही एक पेपर है इसमें बीएससी बीटेक बीएससी में, बीएससी बीए के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नाम से एक पेपर होगा, यानी कि मैथ है कम्प्लीट, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का अलग से एग्ज़ाम होगा आपका। तो भाई यानी कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, कि यहाँ से चलकर आगे हायर क्लासेस तक जाता है, एमएससी तक जाता है बच्चों ये चैप्टर। तो है इतना इजी कि ये छह रेशो पहले पढ़ लीजिए आप, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है ना। पहली बात आपने ये सीखनी है कि भाई छह रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कोसाइन कोसाइन ए लिख लेता हूँ मैं अभी यहाँ पर, चलो थीटा ही लिख देता हूँ, थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पहली बात आपने ये सीखनी बच्चों की छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। फिर सीखना आपने कि साइन बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस से बनता है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे साइन बन जाएगा, बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे कोस बन जाएगा, और भाई परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे टेंजेंट बन जाएगा। इस तरीके से आपने याद रखनी है, और इसकी ट्रिक भी है आपकी बुक में भी है इसकी ट्रिक याद करने के लिए, तो उसका भी यूज कर सकते हो आप। जैसे कि बाई चांस आपको याद ना रहे कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, सिकेंड हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है, तो उसके लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, ट्रिक के जरिए याद कर सकते हो बच्चों। जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो S फॉर साइन, साइन यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, C फॉर कोस, कोस मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और T मींस टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो इसको उल्ट दीजिए, H बाय P आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट, क्या आ जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये छह रेशो बच्चों सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है। दूसरी ट्रिक को और है एक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान
भूखा प्यासा इनके परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, और हरा भरा हिंदुस्तान हरा भरा यानी कि एच हरा मीन्स एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, फिर हिंदुस्तान मीन्स एच एच फॉर हिंदुस्तान एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और हरा एच फॉर हरा और एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एंड बी भरा यानी कि बेस। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन बन गया, ये कोस बन गया, ये टेंजेंट बन गया, और तीन इनके रेसिप्रोकल हो गए। तो बच्चों पहली बात याद रखने की है, छह ट्रिग्नोमेट्री रेस होते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंट कोसिकेंट कोट। दूसरी बात कि साइन कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन बनता है। कोस कैसे बनता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज से कोस बनता है। टेंजेंट कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाय बेस से टेंजेंट बनता है, ठीक है ना। और बाकी तीन रेसिप्रोकल हैं ही, वो रेसिप्रोकल करने से बन जाएंगे। तो ये दो बातें याद करनी है आपने। तीसरी बात याद करनी, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है बच्चों, कोसिकेंट थीटा। वैसे एरो इंटर एरो मैंने लगाया केवल याद रखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर एरो का और कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं रेसिप्रोकल स्पीयर। तो ये आपने याद रखने बच्चों, तीन ही पेयर है भाई, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, टेन का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेन, और सिकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सिकेंट, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज 8.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्राइंगल दे रखी है आपको, ए बी सी बी पर राइट एंगल्ड है, और फाइंड आउट करना भाई आपने साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। देखो साइन कोस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज को तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन और कोस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, जिसका हम प्रूफ कर चुके बच्चों ट्राइंगल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो भाई ए सी स्क्वेयर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों 24 का स्क्वेयर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर आ जाएगा 576 प्लस 49 यानी कि 625, और स्क्वेयर रूट लेंगे तो भाई ए सी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सिंपली आपने क्या निकालना है, साइन ए, ठीक है ना। साइन ए मीन्स बेस क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चों बेस। पहले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेस ये हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्यूट एंगल ये लिया है। बेस कौन सा लेना है, जिसके ऊपर एक्यूट एंगल लिया हो आपने और साथ में 90 का एंगल हो, ठीक है ना। वैसे एक्यूट एंगल तो यहाँ पर भी है, देखो इसके ऊपर ये रहा एक्यूट एंगल जो हमने लिया है, यहाँ पर जो गिवन में दिया है उसने, यानी कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो रिक्वायरमेंट में जो उसने दिया है ए, तो दैट मीन्स ए इज एक्यूट एंगल। तो ए को कंसीडर करके आपने काम करना है, तो ए एंगल इसके ऊपर भी है और इस साइड के ऊपर भी है। तो आपने कौन सा बेस लेना है जिसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट का एंगल लिखा हुआ है और साथ में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो इसके अंदर है। तो ये बेस है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइन ए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद कोस ए निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है वापस 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में ये वैल्यू थी, ये रेशो है बच्चों, इसकी यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, रेशो यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर यूनिट लगाने की जरूरत नहीं आपको, इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना देता। वैसे डायग्राम यही लेना आपने, ए बी सी बिल्कुल सेम टू सेम यही है, 90 डिग्री का एंगल है। अब की बार बच्चों बेस कौन सा हो जाएगा आपका, ये, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट में एंगल लिख रखे है वो लिख रखे है सी, तो सी यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि बेस कौन सा होता है बच्चों, जिसके ऊपर 90 का एंगल हो और साथ में जो रिक्वायरमेंट हो वो वाला एंगल हो, एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल और 90 का दोनों एंगल हो, ये वाला लो, ठीक है ना। वैसे तो एक्यूट एंगल ये भी है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर,
इसमें लिखा हुआ था इसलिए इसको हमने बेस ले लिया था। अब की बार सी लिखा हुआ है तो सी वाले को बेस लेना पड़ेगा। सी वाले को मीन्स ये नहीं कि सी वाला ये भी बेस ले सकते हम, नहीं, एक 90 का एंगल और एक जो रिक्वायरमेंट में लिखा है वो एंगल उसको बेस लेना आपने, तो ये दूसरे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 का एंगल तो है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा, 90 के अपोजिट में रहेगा हमेशा। तो साइन सी की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे यहाँ पर तो साइन सी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो लेंथ सेम टू सेम वही है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर आ गई थी और ये क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साइन सी क्या आ जाएगा 24/25। उसके बाद कोस सी क्या आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 7/25। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बच्चों। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ये ट्रायंगल दे रखी है भाई और टेंजेंट पी माइनस को टेंजेंट आर की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं यानी कि ये साइड निकाल लेते हैं, इसको अगर परपेंडिकुलर ले लें हम, इसको बेस ले लें, फिलहाल कुछ भी लिया जा सकता है इनके अंदर रखने से पहले, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो भाई 169 माइनस 144 अंडर द स्क्वायर रूट, पाइथागोरस फॉर्म यूज़ की हमने, एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। क्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों 13 स्क्वेयर यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वेयर 12 स्क्वेयर। तो क्यू आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 169 माइनस 144 यानी कि क्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा 25 और उसका रूट आ जाएगा क्यू आर यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों टेंजेंट पी निकालना हमने, सबसे पहले टेंजेंट पी, तो बच्चों ये एंगल ले लिया तो बेस ये हो जाएगा अब की बार और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 के सामने ही होगा। तो भाई टेंजेंट पी लिखना आपने, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि 5/12 माइनस, अब की बार क्या निकालना है कोटेंजेंट आर, तो बच्चों ये एंगल ले लिया, अब की बार ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो क्या जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 5/12 दोबारा से आ गया और 5/12 माइनस 5/12 क्या हो गया बच्चों 0, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, तो भाई साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, चेक कर लेता हूँ मैं स्टेटमेंट, कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। कोस ए और टेंजेंट ए की, कोस ए एंड टेंजेंट ए की वैल्यू रिक्वायर्ड है और वैल्यू गिवन है साइन ए की। तो बच्चों ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, देखो ए बी और सी, ठीक है ना। तो भाई साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर 3 लेनी गलत हो जाएगी बच्चों, किसी एचसीएफ से, इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। ऐसा क्यों है, देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 4k। ऐसा इसलिए बच्चों जो रेशो होता है वो एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि सन और फादर की एज का रेशो मान लो 1:1:2 है, यानी कि सन और फादर की एज का जो रेशो है 1:1:2 है, तो ये नहीं है भाई कि एज ऑफ सन क्या आ जाएगी 1 ईयर्स एंड एज ऑफ फादर्स क्या आ जाएगी 2 ईयर्स, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो रेशो को एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल नहीं लेना आपने, वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं कि हमेशा नहीं होती एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल, वो हो भी सकती है। मान लो सन की एज है 17 और फादर की एज है 38, तो अब देखो इनका रेशो भी सेम यही हो गया और एक्चुअल क्वांटिटी भी यही होगी, यानी कि सन की एज क्या थी 17 ईयर्स, फादर की एज क्या थी 38 ईयर्स,
रेशो निकलवाएगा कोई तो रेशो भी यही निकल गया और एक्चुअल क्वांटिटी भी यही होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये नहीं पता ना कि केस कौन सा है। ये वाला भी तो केस है बच्चों, मान लो सन की एज कितनी हो 20 इयर्स और फादर की एज कितनी हो 40 इयर्स, तो इनका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, देखो 1/2 आएगा। तो ये केस भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो रेशो को आप एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल लेकर मत चलना, बल्कि एक्चुअल क्वांटिटी को रेशो के इक्वल लिया जा सकता है, ठीक है ना। और समटाइम्स रेशो और एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल भी होती हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे आपको साइन ए 3/4, और आप जानते हो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर को 3k लेना आपने और हाइपोटेन्यूस को 4k, क्योंकि ये इनका क्या होता है एचसीएफ। जैसे कि अभी अभी मैंने 20 और 40 को कैंसिल किया, किससे कैंसिल किया 20 से, तो 20 से कैंसिल किया तो 20 क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है ना, आया समझ में। तो बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया आपके पास, यानी कि ये आ गया 3k और ये आ गया 4k, ठीक है ना। तो बेस निकाल सकते हैं अब हम यहाँ से, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी, बेस आ जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 16k² माइनस 9k² दैट इज 7k² और अंडर द रूट है, यानी कि बेस आ जाएगा √7k, ये आ जाएगा बच्चों बेस √7k। अब आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं कोस ए की, तो कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि √7k/4k, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। ठीक ऐसे ही टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप, टेंजेंट ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 3k डिवाइडेड बाई √7k कैंसिल होकर आ जाएगा 3/√7, ठीक है ना। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये है बच्चों, कोटेंजेंट की वैल्यू दे रखी है 15 कोटेंजेंट की, तो कोटेंजेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8/15, तो इसमें अलग ट्रायंगल बनेगी उस क्वेश्चन की बजाय। तो ए मैं ये ले लेता हूँ, बी और सी, तो भाई कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, देखो बेस बाई परपेंडिकुलर के इक्वल होता है ये, तो इसलिए बेस को हम ले लेंगे यहाँ पर, बेस को 8k ले लेंगे और परपेंडिकुलर को ले लेंगे यहाँ पर 15k, और हाइपोटेन्यूस निकालेंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आप जानते हो बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 225k² और प्लस 64k² अंडर द स्क्वायर रूट, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपका 225 प्लस 64 यानी कि 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 के, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूस आ गया 17k और बेस आ गया 8k और परपेंडिकुलर आ गया 15k, ठीक है ना। अब वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हो आप, जैसे आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो साइन ए क्या होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि 15/17k ये कैंसिल हो गया। ठीक ऐसे ही सिकेंड की वैल्यू निकालनी बच्चों, तो सिकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, यानी कि 17k डिवाइडेड बाई 8k कैंसिल होकर के आ गया 17/8। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, सिकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी है भाई और बाकी पांचों रेशो की वैल्यू निकालनी है आपने, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABC और यहाँ पर 90° का एंगल है बच्चों, तो इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिकेंड थीटा होता किसके इक्वल है, सिकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस के इक्वल, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ये आ जाएगी 13k, और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बेस की वैल्यू आ जाएगी 12k। तो भाई वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि 169k² माइनस 144k² और अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25k² अंडर द स्क्वायर रूट,
ठीक है ना, तो ये आ जाएगी 5K। तो भाई बेस क्या, आपका बेस है 13K, सॉरी ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आपका 13K और बेस क्या आपका 12K और परपेंडिकुलर क्या है आपका 5K, ठीक है ना। तो बाकी पांचों रेशो की वैल्यू निकालनी, देखो कोस थीटा तो आप जानते हो इसका रेसिप्रोकल है, तो 12/13 हो जाएगा, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो यानी कि 12K/13K और कैंसिल होकर के आ जाएगा 12/13। नेक्स्ट बच्चों साइन निकालना है, जैसे आपने साइन थीटा तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 5K/13K कैंसिल होकर 5/13 आ जाएगा ये। उसके बाद कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर सकते हो या ट्राइंगल का यूज़ करके निकाल सकते हो 13K/5K, यानी कि 13/5। उसके बाद बच गया आपका कोस हो गया, सिकेंट हो गया, साइन कोसिकेंट हो गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट होता है बच्चों साइन बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 5K/12K और के कैंसिल होकर 5/12 ये आ जाएगा। और उसके बाद कोटेंजेंट जो होता है, कोटेंजेंट होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 12/5, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए बेस बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट ज़्यादातर यूज होता है ये हायर क्लासेज में, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इवन देन यहाँ पर भी तो यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करना हमने कभी भी, जैसे कोस ए कोस बी के इक्वल है, साइन ए साइन बी के इक्वल है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी के इक्वल है, तो उन दोनों के एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है ना, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर एंगल इक्वल हैं तो जरूर नहीं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल होंगे। हाँ एक्यूट एंगल होंगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है यानी कि 90 से छोटे हैं, 0 और 90 के बीच के एंगल हैं एक्यूट एंगल, तो ऐसा होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल इक्वल हैं तो वो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ये आपकी ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो कोस ए क्या है बच्चों, कोस ए है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा इसका ए सी और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा ए बी, तो ये आ गया कोस ए। उसके बाद कोस बी निकालना हमने, तो कोस बी क्या होगा, देखो ये एंगल बी है, अब की बार बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये रहेगा, तो बेस ये हो गया यानी कि बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। अब दोनों जो हैं कोस ए और कोस बी क्या दे रखे हैं इक्वल, तो दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों इक्वल, ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी, तो भाई ये साइड है ये इससे कैंसिल हो गई, तो ए सी किसके इक्वल आ गई, बी सी के इक्वल, ए सी यानी कि ये ए सी और ये बी सी क्या हो गई इक्वल। डायग्राम में आपको बड़ी छोटी लग रही है, रफ डायग्राम है ये, तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपने लिखना रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, तो भाई कोटेंजेंट की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों, ठीक है ना। तो कोटेंजेंट की वैल्यू है आपके पास, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, देखो कोट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो इसको 7K ले लेते हैं, इसको 8K ले लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे भाई, 64 और 49 18 6 प्लस 4 10 और प्लस 1 11, यानी कि 118 अंडर द स्क्वायर रूट, 2 से अगर कैंसिल करें 2 5 जा 10 2 9 जा, तो एज इट इज छोड़ देते हैं भाई, ठीक है ना, और साथ में लगा देते हैं कि कोट दे रखे है बच्चों, और कोट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि 7/8 दे रखा है, तो 7K/8K। उसके बाद 1 + sin की वैल्यू निकालनी है, तो 1 + sin, साइन क्या है देखो, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि के कैंसिल करके लिख देता हूँ, ये आपका आ गया साइन। उसके बाद 1 - sin यानी कि 8/118 अंडर द रूट, लोअर पार्ट में 1 + cos यानी कि 1 + ये आ गया 7K/7/118 और
यहाँ पर भी आ जाएगा वन माइनस बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 7/118 अंडर द स्क्वायर रूट। अब ए प्लस बी ए माइनस बी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद होती है वो लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 118 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 118, तो कैंसिल एलसीएम लेंगे तो 118 64 ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 11 - 6 = 5 54/118। ठीक ऐसे ही 118 - 49 लोअर पार्ट में तो ये 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 ये 69 आ जाएगा 69 118 ये इसे कैंसिल होकर 54/69 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल ये 3 से होने लग रहा है, 3 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों कोट स्केयर की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में, तो कोट क्या होता है, कोट स्केयर तो यही आ जाएगा यानी कि 49/64। ठीक है ना भाई बच्चों, अगर देखा जाए देखो इसको 1 - sin² 1 - cos² यानी कि इससे आगे की जो एक्सरसाइज उनके अगर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ बच्चों, तो भाई यहाँ पर जो है ये भी कोट स्केयर बन जाएगा और ये भी कोट स्केयर, वैल्यू क्या है सेम आनी चाहिए भाई। तो हाइपोटेनस को चेक कर लेते हैं, हाइपोटेनस हो गया BC² = 49 k² और +64 k² 9 + 4 = 13 यानी कि 113 आएगा बच्चों ये। ठीक है ना, 113 ये होगा आपका 113 113 113 और स्केयरिंग करेंगे तो ये भी 113 हो गया, ये भी 113 हो गया और 113 में से 64 अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 113 में से 49 सबट्रैक्ट करेंगे 13 - 9 = 4 ये आ जाएगा 64। तो भाई सेम टू सेम आंसर आना बच्चों, क्योंकि दोनों ही किस क्या हो गए कोट स्केयर, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट टू क्या है कोट स्केयर। नेक्स्ट बच्चों 8th और 9th क्वेश्चन बेटा, तो 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन में 3 cotangent A 4 के इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ पर कोट ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और कोट क्या होता है बच्चों, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस को ले लेता हूँ मैं 4k और परपेंडिकुलर को 3k, पाइथागोरस लगाएंगे 16k² + 9k² यानी कि 25k² रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5k। ये ट्राइंगल ए बी सी, ए यहाँ पर लेना पड़ेगा भाई बच्चों, यहाँ पर आपको ए लेना पड़ेगा। ठीक है ना, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ए एंगल उन्होंने दे रखा है तो बेस हमने इसको माना है, तो बेस ये लेना पड़ेगा आपको ये। अब देखो टेंजेंट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 9k² / 16k² वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट की दोबारा से वैल्यू 9k² / 16k² और राइट साइड में कोस ए की वैल्यू यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 16k² / 25k² माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 9k² - 25k² और बच्चों सबट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो 69 - 9 क्या आ जाएगा 7 7k² एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देता हूँ, 69 + 9 यानी कि 25k² और राइट साइड में वही 16 - 9 क्या आ जाएगा 7k² और डिवाइडेड बाई 25k² यानी कि क्या होगी बच्चों, लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, राइट साइड के इक्वल। तो ये हमने चेक करना था इक्वल है या अनइक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी 1/√3 और इनकी वैल्यू निकालनी है आपने, तो बच्चों इसको थोड़ा केयरफुली करना आपने। देखो एंगल बदल रखे हैं, कभी ए लिख रखे हैं कभी सी लिख रखे है, ठीक है ना, तो ए और सी बदल बदल कर रखे हैं, इनके बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले ये बेस है आपकी बार, इसको देखें तो हम बेस ये हो गया इसके अकॉर्डिंग और हाइपोटेनस तो ये रहेगा 90 के सामने ही और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और टेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस सॉरी बच्चों। तो ये क्या आ गया यानी कि
है 1/√3 के इक्वल, तो इसलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर के, के से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने HCF से, और बेस की वैल्यू लिख लेता हूँ बच्चों √3 के। तो यहाँ पर हाइपोटेनस अगर निकालें हम तो ये आ जाएगा इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर यानी कि के स्क्वेयर प्लस 3K² यानी 4K² और अंडर द रूट यानी कि 2K। तो भाई हाइपोटेनस क्या आ गया आपका 2K, और परपेंडिकुलर क्या है के, और ये बेस क्या है √3 के इस एंगल के अकॉर्डिंग। दोबारा से फिर एंगल साइन के साथ भी क्या है ए, तो बेस ये रहेगा परपेंडिकुलर ये, सॉरी बच्चों बेस और परपेंडिकुलर में मिस्टेक कर दी मैंने, देखो टेंजेंट ए तो एंगल ये ले रखा है, तो ये क्या होगा ठीक है भाई बच्चों ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, जो भी एंगल ले रखा है रिक्वायर्ड में तो वो क्या हो जाएगा बेस एक्यूट एंगल है और ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस सामने होगा। तो साइन निकालेंगे तो साइन ए इसमें भी ए है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा यानी कि के बाई 2K। उसके बाद कोस सी, अब की बार बच्चों बेस ये बन जाएगा, कोस सी लिखा हुआ है तो बेस ये बन गया अगर, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है कोस यानी कि के बाई 2K प्लस का साइन कोस ए, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेस ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया, देखो एंगल ये ही है तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि √3K/2K। उसके बाद साइन सी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे तो बेस ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर ये हो गया, तो दोबारा से क्या आ गया √3K/2K। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया के स्केयर, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम, देखो के कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, और ये क्या आ गया 1/4, ये क्या आ गया 3/4 और 4/4 यानी कि 1, ठीक है ना, ये 1 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों ठीक ऐसे ही कोस ए की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पर √3/2K, देखो यहाँ पर भी ये रख देते हैं √3K/2K। उसके बाद कोस सी की वैल्यू ये लिखी थी हमने K/2K, यहाँ पर लिख देते हैं K/2K, और साइन ए की वैल्यू हमने रखी थी K/2K, यहाँ पर रख देते हैं K/2K, और साइन सी की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पर √3K/2K। तो कैंसिल वैंसल करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ आपको, √3/4 ये हो गया बच्चों, √3/4 ये हो गया और आंसर क्या आ गया 0, यानी कि फर्स्ट पार्ट का नाइन्थ के फर्स्ट का आंसर आया 1 और सेकंड का आया 0। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ क्वेश्चन, तो भाई PR+QR ट्राइंगल दे रखी है, PQR Q पर राइट एंगल्ड है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर, तो PR+QR है 25, PR+QR यानी कि ये और ये दोनों का समय 25 बच्चों, और PQ दे रखी 5 सेंटीमीटर, और भाई रिक्वायरमेंट है साइन पी कोस पी टेंजेंट पी। देखो बच्चों कोई भी रेशो निकाल हम तब सकते हैं जब अपने पास उससे बनने वाली दोनों साइड हो, तो यहाँ पर फिलहाल एक ही साइड दे रखी, बाकी दोनों का सम दे रखा है। तो देखो बहुत सिंपल है, हाइपोटेनस को लेट कर लेता हूँ मैं एक्स, और ये क्या आ जाएगा 25 - x, क्योंकि दोनों का सम क्या था 25। अब पाइथागोरस सर्किट थ्योरम यूज कर लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर यानी कि 25 - x का स्क्वेयर और प्लस 5 का स्क्वेयर, स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएगा 625 + x² - 2ab यानी कि 50x और प्लस 25, ठीक है ना, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 50x इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों ऐड होकर आ जाएगा 650। कैंसिल करेंगे इसको, अगर हम x को इससे कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ जाएगी 25 - 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब की बार रेशो की बजाय सीधी साइड आ गई, तो साइन पी निकालेंगे तो साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो अब की बार बेस कौन हो जाएगा ये देखो, बेस आपने ये लेना पड़ेगा क्योंकि पी जो एंगल दे रखे है एक्यूट वो यहाँ पर है, तो जहाँ पर एक्यूट एंगल यानी कि रिक्वायरमेंट वाला एंगल हो ये और साथ में 90 का, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। कोस पी निकालेंगे तो ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/13 इसका आ जाएगा आंसर। टेंजेंट पी निकालेंगे तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ये आ जाएगा 12/13, ठीक है ना। ओ टेंजेंट में गड़बड़ हो गई बच्चों,
टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस, वो तो आप अगले एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल टेंजेंट को हमने निकालना इस तरीके से, देखो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 5/12। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बच्चों ये, ठीक है ना, बेस हो गया ये, ये बेस है आपका और ये परपेंडिकुलर है। मिक्स ना हो इसलिए यहाँ पर लिख लेना चाहिए बच्चों, ऐसा लिख लो यहाँ पर, मिक्स नहीं होंगे फिर ये एक इक्वेशन में, यही है यहाँ पर पी 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 है हर जगह। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 12/5। वैसे भी साइन को कोस से डिवाइड करें तो 12/5 ये आएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों 11th क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है भाई ये, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि टेंजेंट बनता है परपेंडिकुलर बाई बेस से, परपेंडिकुलर बेस यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दोनों साइड से बनता है, अपर पार्ट में होता है परपेंडिकुलर, लोअर पार्ट में बेस। तो भाई इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, इसलिए लेस देन 1 कहना गलत है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो टेंजेंट ए की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, एनी वैल्यू। उसके बाद सिकेंट ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, सिकेंट ए की वैल्यू 12/5 यानी के, तो सिकेंट की वैल्यू मैं बताऊं बच्चों आपको, -1 और +1 यहाँ तक नहीं रहती बच्चों, -1 से -इन्फिनिटी तक रहती है और 1 से इन्फिनिटी तक। तो 12/5 क्या हो गया, 2 point something, 5 2 जै 10, 5 4 जै यानी कि 2.4 हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्या है, रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। उसके बाद कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, कोस ए एब्रीविएशन होती है कोसाइन के लिए, ठीक है ना, कोसिकेंट के लिए तो क्या होती है, कोसेक होती है, और कोस किसके लिए, कोस की क्या होती है, कोसाइन, कोसाइन के लिए कोस यूज होता है। तो ये गलत है क्वेश्चन हो गया, यानी कि थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, रॉन्ग। फोर्थ, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, एंड ए, तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि कोट को और ए को अगर अलग कर दिया जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएंगे, ठीक है ना। कोट ऑफ एंगल ए ही क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बच्चों साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, ये बिल्कुल रॉन्ग है भाई, साइन की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। तो ये वैल्यू तो क्या होगी, 1 point something होगी, तो ये नहीं हो सकता साइन की वैल्यू, ये कभी नहीं हो सकती, एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में आइडिया दे देता हूँ मैं, देखो वैसे हम प्रूव भी करेंगे इनको 11th क्लास में, यहाँ पर मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो साइन जो होता है, साइन, साइन की वैल्यू केवल -1 से +1 तक ही हो सकती है बच्चों, साइन की और कोस ए की वैल्यू, साइन ए भी क्या हो सकता है, -1 हो सकती है उसकी वैल्यू, या उससे बड़ी या +1 या उससे छोटी। ठीक ऐसे कोस ए भी क्या होता है, कोस ए भी -1 और +1 तक ही होता है बच्चों, कोस ए की एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी, -1, बड़े से बड़ी वैल्यू 1। ठीक ऐसे ही साइन की, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट, तो रेसिप्रोकल मीन्स दुश्मन समझ लो आप इसको साइन का। तो ये अगर साइन का दुश्मन है तो दुश्मन वाले काम करेगा बच्चों, ये कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट की वैल्यू बच्चों -∞ से -1 तक रहेगी और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगी, ठीक है ना, यानी कि -1 और +1 के बीच में इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। देखो कोसिकेंट किसका दुश्मन है, साइन का, तो ये यहाँ तक आएगा, गेट तक आएगा और इसकी पिटाई हो जाएगी, वापस ले जाएगा। ठीक ऐसे गेट तक आएगा, साइन के गेट तक, और इसकी पिटाई होगी, वापस ले जाएगा, यानी कि -1 +1 हो सकती है वैल्यू, लेकिन उसके बीच में नहीं होगी कभी भी। तो इसको ऐसे लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसा लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। या क्या लिख सकते हैं, आर रियल में से केवल -1 और +1 के बीच के हिस्से को छोड़कर, आर एक्सक्लूडिंग -1 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हो कि कोसिकेंट की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं होगी और हर जगह होगी। ठीक ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू है बच्चों, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है
साइन का, और सिकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस का, ठीक है ना। तो कोस का दुश्मन है बच्चों ये, तो दुश्मन वाले ही काम करेगा, इनके उसके गेट तक आएगा और पिटाई होकर वापस हो लेगा, ठीक है ना। यहाँ गेट तक आएगा, पिटाई होकर वापस हो जाएगा। तो भाई सिकेंट की वैल्यू भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, या फिर वन से इन्फिनिटी, इसके बीच में कभी नहीं होगी। समझ में आया आपको, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, कोस की वैल्यू क्या हो सकती है, सिकेंट को सिकेंट की क्या हो सकती है, और टेंजेंट को टेंजेंट की बात करें तो वो बाद से हैं भाई, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू कुछ भी हो सकती है उनकी, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो का कंटेंट कंप्लीट हुआ है, वही उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा।